दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जैसे कोई जगह छोड़ी हुई है गुनिये के हिसाब से, जैसे हमारे पास कभी लकड़ का या लोहे का गुनिया होता है तो हम उससे जगह छोड़ देते हैं। जगह छोड़ने के बाद उसको कैसे चेक करेंगे कि हमारी जगह जो है गुनिये में है या गुनिये में नहीं है, क्योंकि कभी कभी गुनिये का जो 90 का कोण बनता है वो भी उसमें भी हल्का सा कभी कभी मिस्टेक आ जाता है, गलती होता है उसमें गलत, तो उससे हमारा जो जगह छोड़ते हैं गुनिये में उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है उसमें थोड़ा, तो वो चीज़ आपको दिखाएंगे अगर उसको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। अभी देखिए, इधर इधर भी कोने में ईंट लग गया है, इधर भी लग गया है और इधर भी कोने में ईंट लग गया है और इधर भी। पहले वैसे हमारा ये गुनिये में छोड़ा हुआ है, जो चौरस जाल छोड़ा हुआ है गुनिये में करके छोड़ा हुआ था। अब इसको हम दोबारा चेक करेंगे कि हमारा जो जाल छोड़ा था गुनिये में है कि नहीं है। तो हमने पहले जो ईंटें लगाई थी रोक के लिए उसी के हिसाब से इसको साउल करके चौरस कर लेंगे, उसके बाद अभी इसका हम गुनिया चेक करेंगे। दोस्तों, हमारा ये साहुल में हो चुका है, चारों कोने साहुल में है। अब हम इसको गुनिया चेक करके फिर बाकी के रदे बाद में लगाएंगे। अब दोस्तों, हम इसको गुनिया चेक करने जा रहे हैं। ऐसे नापो पहले, कितना है? पौने 10 फुट, पौने 10 इंच। आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 फुट 9 इंच 5 सूत है। इधर लगाओ, 10 फुट 9। हल्का सा पीछे जाओ, 10 फुट 9 इंच 5 सूत हो गया। ओके, इधर लगाओ, ऐसे इधर आ जिंदर लो। ये हो गया हमारा पूरा 6 फिट 1 सूत। इधर भी 6 फिट 1 सूत है। अब उधर कोने में लगाओ, उधर। अब इससे हमारा जो चारों साइड थी एक जैसी नापी में सही आ रही है। अब गुनिया चेक करना, गुनिया सही है या नहीं। उधर से कोने में, उधर फीता लगा के इधर कोने में चेक करेंगे कितना जगह है। ये बन रहा हमारा 12 फुट 4 इंची 2 सूत। अब दूसरी साइड लगाएंगे, दूसरी साइड भी कितना आ रहा है, इधर आ रहा हमारा 12 फुट 4 इंची 1 सूत। मान के चलिए इसमें हमारा एक सूत का सिर्फ फर्क है, इतने में अगर एक सूत का फर्क है तो मान के चलिए चल भी जाता, वैसे इसको सही कर लें तो और अच्छी बात है। तो दोस्तों, ऐसे चेक कर सकते हैं कि हम गुनिया कैसे चेक करें कि हमारा गुनिया सही है या नहीं है।